हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर में अपने पहले चैप्टर में हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे दलहन फसल यानी पल्स क्रॉप्स के बारे में। देखिए, जो हमारी दलहन फसलें होती हैं वो हमारी धान फसलों के बाद में आती हैं। लास्ट टर्म में हमने जो चर्चा की थी वो हमने धान फसलों के बारे में की थी, जिसमें हमने गेहूं के बारे में पढ़ा, चने के बारे में पढ़ा, मक्का के बारे में पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे पल्स क्रॉप यानी कि दलहन फसल, जिसमें सबसे पहली फसल हम आज जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो फसल है हमारी चना यानी कि ग्राम। तो देखिए, सबसे पहले हम इस फसल में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे उसके वनस्पतिक नाम को, उसके कुल को और उसके उपकुल को। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा चना है यानी कि जो ग्राम है उसका वनस्पतिक नाम क्या है। आइए देखिए, जो चना यानी ग्राम होता है उसका जो हमारा वनस्पतिक नाम है वो है साइसर एरिटिनम। साइसर एरिटिनम जो है वो हमारा चने का वनस्पतिक नाम होता है। नेक्स्ट देखिए, अब आता है हमारा कुल। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी हमारी फसलें होती हैं किसकी, दलहन की, वो हमारी सारी फेबेसी कुल के अंतर्गत आती है। इसका जो उपकुल होता है वो उपकुल होता है पैपिलियोनेटी। एक बार फिर से देखते हैं, चने का यानी ग्राम का वनस्पतिक नाम है साइसर एरिटिनम, कुल है फेबेसी, उपकुल है पैपिलियोनेटी। तो ये था हमारा चने का वनस्पतिक नाम। देखिए, अब हम बात करेंगे जो हमारा चना है यानी ग्राम है उसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई, उसे और किस नाम से जानते हैं, उसकी खेती किन क्षेत्रों में की जाती है और विश्व स्तर पर उसकी पैदावार कहाँ होती है। आइए हम देखते हैं चने की उत्पत्ति और वितरण के बारे में। तो देखिए, जो हमारा चना है उसकी जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ होती है, वो होती है हमारी जो माना जाता है वो है दक्षिण पूर्वी यूरोप, यानी जो चने की उत्पत्ति का स्थान माना गया वो कौन सा माना गया, दक्षिण पूर्वी यूरोप को माना गया। रोमन जो थे वो इसे एरेबिंथस कहते हैं, तथा भारतवर्ष में जो हमारे आर्य लोग इसे लेकर आए उन्होंने चने को चनका का नाम दिया, उन्होंने इसे चनका कहा। अब देखिए, जो हमारा चना है वो एक दलहन फसल होती है और उसकी खेती जो की जाती है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। अगर हम विश्व के स्तर की बात करें तो विश्व में इसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, म्यांमार और मोरक्को में इसकी खेती की जाती है। आप देखिए, भारत में जो इसकी खेती की जाती है वो कहाँ कहाँ की जाती है। तो देखिए, भारत में चने की खेती हमारी उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में की जाती है। इसे हम बंगाल ग्राम के नाम से भी जानते हैं।
कभी कभी आप लोगों का बीएससी थर्ड ईयर है, अभी आप लोग कई सारे एग्ज़ाम भी देंगे, कोई बीएड करेगा, कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, कोई किसी एंट्रेंस में बैठेगा, तो ये क्वेश्चन आपका एक जनरल क्वेश्चन है, आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है कि चने को हम और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा इसे हम बंगाल ग्राम भी कहते हैं। कई बार मैंने ऑब्जेक्टिव पेपर में देखा है कि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आप इसे ध्यान रखिएगा कि बंगाल ग्राम के नाम से भी हमारा चना जाना जाता है। तो देखिए, ये तो हमने उसके ओरिजिन की बात करी, यानी उसकी उत्पत्ति, उसका वितरण क्या है। अब हम देखेंगे उसके वनस्पतिक लक्षण को, यानी उसके बोटैनिकल कैरेक्टर। तो आइए अब हम देखते हैं इसके वनस्पतिक लक्षण। तो देखिए, जो हमारा चना होता है कैसा होता है, हमारा वार्षिक शाक पौधा होता है, 1 से 2.5 फुट तक ये ऊंचा होता है, शाखित होता है यानी ब्रांच होता है। जो पत्तियां होती हैं यानी जो लीफ होती हैं वो कैसी होती हैं, संयुक्त होती हैं यानी कंपाउंड होती हैं। अब देखिए, जो हमारी पत्तियां हैं उनमें हमारा मैलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका जो पुष्प होता है वो एकल पुष्प होता है, और इस पौधे में या इस पौधे की जो प्रत्येक फली होती है उसमें बीजों की संख्या जो होती है वो 1 से 2 की होती है। तो देखिए, ये हमने बात की वनस्पतिक लक्षण के बारे में, जिसमें हमने चने को कहा कि यह एक वार्षिक पौधा होता है, इसकी ऊंचाई जो होती है वो 1 से 2.5 फुट की होती है। नेक्स्ट, पुष्प कैसा होता है, एकल होता है। पत्तियां कैसी होती हैं, संयुक्त होती हैं यानी कंपाउंड होती है, और जो इस पौधे की फलियां निकली होती हैं उन फलियों में बीज पाए जाते हैं, तो उन बीजों की संख्या जो हमारी होती है वो 1 से 2 होती है। अब देखिए, इसमें हमारा सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो हमारी पत्तियां होती हैं जो संयुक्त रूप से होती हैं उसमें हमारा जो एसिड पाया जाता है वो एसिड होता है मैलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, जो कि हमारा प्रचुरता से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आपका कहीं ये क्वेश्चन आ जाए कि चने की पत्तियां कैसी होती हैं, तो संयुक्त होती हैं, या ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उन पत्तियों में हमारा कौन कौन सा एसिड पाया जाता है, यानी मैलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके क्लाइमेट की, यानी चने की जो हमारी फसल है उसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए, आइए देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा चना है उसकी मैंने आपको बताया कैसी फसल है, दलहन की फसल है। नेक्स्ट, इसकी जो हमारी जलवायु होती है कैसी है, तो देखिए इसके लिए मध्यम वर्षा तथा ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी वर्षा कैसी होगी, मध्यम होगी, और ठंडी कैसी होगी, मध्यम होगी, क्योंकि चने के लिए अधिक सर्दी हानिकारक होती है। अब देखिए कैसा है मिश्रित रूप, तो देखिए जो हमारे चने की खेती की जाती है, यानी हम चने को उगाते हैं किस रूप में, मिश्रित रूप में उगाते हैं, यानी अकेले ही उसकी खेती नहीं की जाती बल्कि मिश्रित रूप में कई सारी एक साथ फसल हम बोएंगे, जैसे कि हमारी गेहूं है, ज्वार है, सरसों है, तो ये हम मिश्रित रूप में इनकी फसल को हम उगाते हैं। अब देखिए, इसकी जो बुआई हम करते हैं वो कब करते हैं, अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसकी बुआई की जाती है,
और जब ये पक्के तैयार होती है तो फरवरी से मार्च के बीच में ये पककर तैयार हो जाती है। तो देखिए, ये हमने बात करी इसके जलवायु की कि इसके लिए हमारी जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो ठंडी होनी चाहिए, वर्षा वाली होनी चाहिए, लेकिन मध्यम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अधिक वर्षा हो और अधिक ठंडी हो तब इसकी इसके लिए ये जलवायु सही रहती है, नहीं। यानी मध्यम रूप से होनी चाहिए, और अगर अधिक सर्दी है तो इसके लिए वो हानिकारक होती है। और इसकी जो बुआई की जाती है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में की जाती है। और जो इसकी यानी जो ये पककर तैयार हो जाती है कटाई के लिए, तो वो हमारा होता है फरवरी से मार्च के बीच का समय। ये वही समय है जिसमें हमारे चने की फसल पककर तैयार हो जाती है। आइए अब हम देखते हैं इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटीज के बारे में, कि जो भी हमारा चना है उसकी हमारी जो उन्नत किस्में होती हैं वो हमारी कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा चना होता है, भारतवर्ष में उगाई जाने वाली प्रमुख उन्नत जो हमारी क्या कहते हैं किस्में होती हैं कौन कौन सी हैं, देखिए गौरव है, किरण है, काबुली है, पूसा है, पूसा 209, महामाया है, महामाया 2, उज्जवल है और उदय। तो ये सारी हमारी कैसी हैं, इम्प्रूव्ड वैरायटी है। इम्प्रूव्ड का मतलब क्या होता है, जो उन्नत किस्में होती हैं, यानी ये कैसी किस्में हैं, जो प्रमुख उन्नत किस्में हैं किसकी, चने की, यानी कि ग्राम की। याद रखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई भी नाम आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से एक प्रमुख उन्नत किस्मों के बारे में, चने की एक प्रमुख उन्नत किस्मों के बारे में बताइए, तो आपको ये नाम पता होने चाहिए, कौन कौन से, गौरव, किरण, काबुली, पूसा 209, महामाया 2, उज्जवल, उदय। ये सारी हमारी प्रमुख उन्नत किस्में होती हैं। अब देखिए, अब हम आते हैं इनके यूज, यानी जो इनका उपयोग होता है, चने का उपयोग है हमारा। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि जो हमारा चना है उसके जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, अत्यधिक पोषण युक्त होते हैं। और इनका उपयोग किस किस रूप में किया जाता है, आइए देखते हैं। देखिए, जो चने हैं उनके बीजों की दाल बनाते हैं, बीजों को पीस कर हम क्या बनाते हैं, बेसन बनाते हैं, जिसे बोध जिसका उपयोग किसमें करते हैं, भोज्य पदार्थों में करते हैं। इसके जो बीज होते हैं यानी जो हरे बीजों को सब्जी की तरह प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि इसे हम यानी जो बीज हैं तथा जो बेसन है उसको नमकीनों के बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। और एक चीज और, इसकी जो पत्तियां और फलियों के छिलके होते हैं वो जानवरों के लिए, मतलब जानवरों को भोजन के लिए खिलाया जाता है। तो ये था चने के चने का यूज, यानी क्या क्या उसका उपयोग है। तो देखिए, आज हमने पढ़ा चने के बारे में, और जिसमें कि हमने चने के फैमिली जानी कि किस कुल में हम उसको रखते हैं, किस उप कुल में रखते हैं, उसके क्या ओरिजिन है यानी उसकी उत्पत्ति कहाँ मानी गई, और भारत में जो आठ लोग आए उन्होंने चने को किस नाम से कहा, तो उन्होंने उसे कहा चन का नाम दिया, और हम चने को बंगाल ग्राम के नाम से भी जानते हैं। वनस्पतिक लक्षण में हमने जाना कैसा है, वार्षिक पौधा है, 1 से 2.5 फुट ऊंचा होता है, इसकी पत्तियां संयुक्त होती हैं, कंपाउंड होती हैं, और जिसके अंतर्गत हमारा मैलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है। पुष्प हमारा एकल होता है, और कैसा है
कि प्रत्येक फली में जो हमारी बीजों की संख्या होती है वो एक से दो होती है। हमें जाना जलवायु कैसी होनी चाहिए, मध्यम होनी चाहिए, मध्यम वर्षा और मध्यम ठंडी। अगर अधिक ठंडी होगी तो कैसी होगी, इसके लिए हानिकारक होगी। और हमने क्या मिश्रित रूप में, यानी देखिए जो इसकी हम खेती करेंगे वो अकेले नहीं करेंगे, यानी उसको कई सारी फसलों के साथ ही हम उसकी बुआई करेंगे, जैसे गेहूं है, ज्वार है, सरसों है, तो इस मिश्रित रूप में हम चने की खेती को करेंगे। समय हमने आपको बताया कि अक्टूबर से नवंबर इसकी बुआई का समय, और कटाई का जो समय होता है वो हमारा फरवरी से मार्च का होता है। तो आज हमने जाना इन चने के बारे में। नेक्स्ट टर्न पे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।